हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय NaOH इज नियरली। ऑप्शंस आर -27.4 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट एंड -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कोई एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है टू गिव वाटर एंड सॉल्ट, तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। होता क्या है, सपोज हमने यहाँ पे एक एसिड लिया, उसका रिएक्शन हुआ बेस से, तो हमें प्रोडक्ट मिला वाटर एंड सॉल्ट विच विल बी ए बी। ई वन इक्विवेलेंट हुआ एसिड, ई वन इक्विवेलेंट हुआ हमारा बेस। तो इसमें जो हमारी हीट रिलीज होगी डेल्टा एच, ये क्या होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब बच्चों, हमें एक चीज पता है कि एक्सपेरिमेंटली हमें एक वैल्यू पता है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो जो हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलती है वो होती है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। बच्चों, यहाँ पे माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इनमें हीट रिलीज हो रही होती है। जब हीट रिलीज हो रही होती है तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक मतलब बच्चों सिंपली होता है कि इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट टू प्रोटॉन्स। डाई बेसिक एसिड ये रिएक्ट कर रहा है NaOH से, जो कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये दोनों ही 1 इक्विवेलेंट हो गए यहाँ पे। तो हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है इसमें वाटर प्लस सॉल्ट बना। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच निकल रही है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होता है। तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो होगा -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। बच्चों, ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है पर इक्विवेलेंट में हम देखते हैं, ना कि पर मोल में। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।